तो आओ सात संगत जीओ, हुण असीं दसवीं अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ उह रल मिल के उच्चारण करदे हां जी। आओ उच्चारण करिए जी। सलोक उस्तत करें अनेक जन, अंत ना पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। नानक नानक शब्द उत्ते असीं विश्राम देना जी हल्का जिहा। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, ये जिहड़ा शब्द आ ऐड़ा नन्ने नूं जिहड़ी सिहारी लगी हुई है अगे कक्का अखर, इस शब्द का उच्चारण सत्संग असीं करांगे। अनेक नन्ने नूं लगी हुई जिहड़ी सिहारी है उसनूं असीं उच्चारण का विशा बनाउणा है, उहनूं जरूर उच्चारण करना है। अनेक असल विच जिहड़ा शब्द आ उह आ जी अनेक, जिवें आपां आरंभता दे विच पाठ उच्चारण कीता सी उस्तत करें, ये जिहड़ा करें शब्द आ कक्का रारा हाहिण जिहड़ी सिहारी आ, इत्थे भी याद रखो हाही नूं जिहड़ी सिहारी आ जी उह अपने तों पहले अखर रारे दे उपर दुलावां दे पाठ वांगू उच्चारण होवेगी नाल बिंदी ला के। उस्तत करें अनेक जन, अनेक जिहड़ा शब्द आ ये असल विच शब्द आ, पर इत्थे जिहड़ा वा अनेक शब्द इत्थे गुरु साहिब ने नन्ने नूं सिहारी लगा के जिहड़ी मात्रा वा उहनूं घटाया होया, तो इहदा पाठ जिहड़ा वा अनेक इस ढंग नाल असीं उच्चारण करने, क्योंकि गल याद रखो गुरु साहिब दी बाणी विच ये अनेक शब्द जिहड़ा वा बहुत वारी रिपीट उच्चारण होया वा जी। गुरु साहिब जी फरमा रहे आ जी नानक, नानक ते विश्राम, रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, भी हे नानक हे भाई उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने बहुत ही ढंग तरीकों के नाल इस संसार की रचना जिहड़ा है वह रचित किया है, उन्हें रचिया है। महाराज कहिंदे भी इस वास्ते उस पार ब्रह्म परमेश्वर का जिहड़ा वा कोई भी मनुख जिहड़ा है वह पारावार नहीं पा सकता, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। हालांकि ये गल वक्री है भी गुरु साहिब कहिंदे भी अनेकां लोग जिहड़े आ वह परिपूर्ण परमेश्वर की सिफत सलाह करते अंत पाने की कोशिश करते, पर कोई भी मनुख जिहड़ा उस परमेश्वर का पार ब्रह्म का अंत नहीं पा सकता। तो सात संगत उस्तद करें अनेक जन, अंत ना पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। तो ये तो अगे सात संगत हूँ अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ पहले शब्द का पाठ असीं उच्चारण करांगे जी, इहनूं सुनो ध्यान नाल। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्योहारी। हुण इत्थे भी ख्याल रखो जी जिहड़ा ये शब्द आ ऐड़े नूं कन्ना चचे नूं कन्ना रारा, ये शब्द का उच्चारण करना जी आचार, इनू आचार नहीं उच्चारण करना, ऐड़े नूं लगा हुआ जिहड़ा कन्ना है इस कन्ने की मात्रा नूं भी असीं उच्चारण करना है, क्योंकि मैं हमेशा आप समूह संगत के चरणों में बेनती करता हूं भी जिहड़ी कन्ने की मात्रा वा सात संगत इस गल नूं याद रखो भी कन्ने की मात्रा किसी भी अक्षर नाल लगी होवे, चाहे वह फस्ट अक्षर होवे, चाहे सैकेंड अक्षर होवे, चाहे थर्ड अक्षर होवे, चाहे वह चौथे नंबर पर कोई अक्षर होवे, चाहे कन्ने की मात्रा अखीर ते होवे, कन्ने की मात्रा का हमेशा प्रॉपर उच्चारण करना वा। कन्ने की मात्रा नूं असीं इग्नोर नहीं करना, छड्डना नहीं आ। तो इस शब्द का उच्चारण करांगे आचार, ठीक है जी। कई कोट आचार व्यवहारी। हुण इत्थे एक गल होर समझण वाली है जी, तुसीं सात संगत इस समुची अष्टपदी दे विच एक शब्द नूं वार वार तुसीं देखो, ये जिहड़ा शब्द आ जी ये शब्द आ जी कोट, ये शब्द जिहड़ा कोट आ ये वार वार समुची अष्टपदी दे विच रिपीट उच्चारण हो रहे है। पर इत्थे सात संगत मैं बेनती करना चाहांगे नूं सुनो ध्यान नाल जी, ये जिहड़ा कोट शब्द आ इस गल नूं याद रखो, कोट शब्द जिहड़ा वा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विच सात संगत तीन सरूपां दे विच सानू पढ़न नूं मिलदा वा। ते सब तो वड्डी गल ए आ ये कोट शब्द दे बारमुखी जिहड़ा सरूप आ तिन्ना ही शब्दां दा वखो वखरा वा, पर उच्चारण जिहड़ा वा वह एक समान ही करांगे जी कोट। हुण असीं गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच एक जगह कोट शब्द का सत संगत पाठ उच्चारण करते हैं, लंका सा कोट समुद सी खाई, उत्थे तुसी देखना जिहड़ा कोट शब्द आ कक्के उपर हूड़ा टैंके दे पैर विच औंकड़ लगी हुई है जी, ये जिहड़ा कोट शब्द आ औंकड़ दे नाल आया वा टैंके दे पैर च औंकड़, इहदा पाठ असी उच्चारण करना वा कोट, पर
पर सत्संग जिहड़ा एक कोट शब्द आ जदों इहदा अर्थ करांगे इहदा अर्थ बनेगा किला, क्योंकि एक कोट शब्द नाउन आ जी, एक वचन है ते पुलिंग है, टैंक दे पैर विच लगा होया जिहड़ा औंकड़ है यह एक वचन की निशानी है। तो साध संगत एक कोट शब्द का अर्थ है जी किला, उचारण है कोट, अर्थ है किला। पर गुरु साहब की बाणी विच एक जगह असी शब्द उचारण करते हैं जी कंचन के कोट दत्त करी वो हैवर गैवर दान, उत्थे तुसी पंक्ति विच पाठ देखो उच्चारण असी कोट कर रहे हैं जी, पर उत्ते सत्संग कोट शब्द का जिहड़ा सरूप आ वह इस ढंग नाल आ भी कक्के दे उपर होड़े की मात्रा, टैंका अखर मुक्ता, जिथे टैंका अखर मुक्ता आ जाएगा वह शब्द बन जाएगा जी बहुवचन, नाउन प्लस पुलिंग प्लस बहुवचन, अर्थ बनेगा किले, एक किला एक वचन, किले बहुते किलिया की गल की जा रही है वह बन गया जी बहुवचन। पर हुण जिहड़ा असी इस अष्टपदी दे विच सुखमनी साहिब दी ये दसवीं अष्टपदी विच ये जिहड़ा कोट शब्द आपां उच्चारण कर रहे हैं पढ़ रहे हैं इसका स्वरूप तुसीं देखो कक्के उत्ते होड़े की मात्रा ते टैंके अखर नूं सिहारी लगी हुई आ। सत्संगत गल समझण वाली ये आ भी जिथे भी गुरु साहिब की पावन बाणी विच कोट शब्द टैंके नूं सिहारी नाल आएगा उत्थे सत्संगत उच्चारण कोट ही होएगा, पर इहदा जिहड़ा अर्थ है वह किला नहीं होगा जां किले नहीं होगा, अर्थ बनेगा गिनती वच करोड़ां। तो साध संगत इत्थे कोट शब्द जिहड़ा वा यह गिनती वच करोड़ां दे अर्थ दे विच आया वा, तो इहदा उच्चारण असीं कोट करांगे भी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्योहारी, कई कोट भए तीरथवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, ये शब्द पब्बा पैर में अद्धा रारा मम्मा हाहे नूं सिहारी लगी हुई आ। जिवें मैं पहला तुहाड़े चरणा च बेनती कीती सी वी जदों हाहे नूं सिहारी लगी होवे ते उह सिहारी जिहड़ी आ जे तां तीन अक्खर होण जां चार अक्खर होण, हाहे नूं जिहड़ी सिहारी आ उह फिर अपने तों पहले अक्खर दे उपर उलार दुलावां वाले पाठ विच उचारण होवेगी नाल बिंदी लग के। जे दो अक्खर होण जिवें खखे नूं कन्ना हाहे नूं सिहारी, मम्मी नूं कन्ना हाहे नूं सिहारी, दो अक्खरां दा शब्द होवे फिर हाहे नूं जिहड़ी सिहारी आ उहदा उलार जिहड़ा इह गल ख्याल रखो एक लां दी मात्रा च नाल बिंदी लग के उचारण होएगा खाहे माहे जाहे। इस इत्थे जिहड़ा उचारण आ इहदा उचारण होएगा दुलावां दी मात्रा च नाल बिंदी लग के। भ्रमै भ्रमै तो भाव आ जी भटकना, भ्रमै तो भाव आ भ्रमण करना, बन बन शब्द का बहुवचन भी जंगलों के भटकना। तो सात संगत गुरु साहब जी फुरमा रहे जी कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीशुर होते, ये जिहड़ा शब्द आ जी तत्ता पप्पे नूं बिहारी, सस्से दे पैर विच औंकड़ लगा हुआ है अगे रारा अखर, सस्से दे पैर विच जिहड़ा औंकड़ है उसका असी उच्चारण करने गल ख्याल विच रखो, अते सस्से नूं जिहड़ा वा बिंदी लगा के उच्चारण करांगे, सस्से दे पैर च बिंदी लग के उच्चारण होएगी तपीशुर, असल विच जिहड़ा शब्द आ उह आ जी तपीश्वर। कई कोट आत्म ध्यान धारै, धारै शब्द, कई कोट कवि काव विचारै, विचारै शब्द, धारै विचारै, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक नानक शब्द ते उत्ते विश्राम देवांगे जी, करते का अंत ना पावै। सत संगत इत्थे भी गुरु साहिब जी इस गल नूं दोहरा रहे आ वी हे नानक उस करते परिपूर्ण परमेश्वर दा जिहड़ा अंत है उह नहीं पाया जा सकदा, इस गल नूं हमेशा याद रखो ना तां सत संगत परिपूर्ण परमात्मा दी बणाई हुई इस कुदरत दा अंत असीं पा सकदे आ ते ना ही इस कुदरत नूं बनाउण वाले कादर करते परमेश्वर दा असीं अंत पा सकदे आ। तो सत संगत इह आ जी दसवीं अष्टपदी दा पहला शब्द, हुण इहदे तों अग्गे असीं दूसरे शब्द दा उच्चारण करदे हां जी, आओ उच्चारण करिए जी, कई कोट भए अभिमानी, अभिमानी शब्द, अभिमानी तो भाव हंकारी व्यक्ति, कई कोट भए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर,
कई कोट अभिग आत्म निकोर। हुण सत्संग इत्थे भी ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ ऐड़ा पब्बे नूं सिहारी गग्गा अखर, सत्संग इस शब्द का उच्चारण करांगे अदक दे नाल अभिग। अभिग का अर्थ हुंदा किसी दे विच भिजना ना, ठीक है जी। असल विच शब्द आ अभिज, पर इत्थे सत्संग गुरु साहिब ने गग्गा अखर लगाया होया वा जज्जे की जगह ते, इस शब्द का उच्चारण करांगे अभिग। कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै हिरै। रारे दे उपर दुलावां दा पाठ नाल बिंदी ला के उच्चारण करांगे हिरै, खो लैणा हर लैणा। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे। हुण सत्संग जिथे भी ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ जी ससा, ससे दे पैर विच अद्धा रारा ते अगे अखर आ जी मम्मा, इस शब्द का पाठ उच्चारण करना वा जी श्रम। श्रम का अर्थ होंगे जी मेहनत मशक्कत। तो यह जिहड़ा शब्द आ इस ससे दे पैर विच बिंदी का पाठ लगा के असं उच्चारण करांगे श्रम। सत्संग एक गल याद रखो, श्रम शब्द जिहड़ा वा इस संस्कृत भाषा का शब्द आ जी। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे। परदेश सस्से दे पैर च बिंदी ला के परदेश परमाहे। जित जित लावो तित तित लगना नानक, नानक शब्द ते विश्राम जी। करते की जानै करता रचना, तो सा संगत ए है जी दूसरा शब्द। हुण इहदे तों अगे तीसरा शब्द, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल देश। ससे दे पैर च बिंदी ला कहा के उच्चारण करांगे देश। कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र। ये जड़ा नखियत्र शब्द आ जी नन्ना, खखे दे पैर विच सत्संग अद्धा जड़ा वा ओ जइया अखर जड़ा यक्ष चिन्ह है ओ लगा होया तत्ता दे अगे, तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा। इस शब्द का उच्चारण करांगे नखियत्र। जदों किसी भी शब्द विच किसी अखर दे पैर दे विच इस गल नूं हमेशा याद रखो जी, यक्ष चिन्ह लग जावे अद्धा जइया लगा होवे, ते जिस अखर दे पैर विच यक्ष चिन्ह अद्धा जइया लगा हुंदा उस शब्द का उच्चारण इस ढंग नाल करना हुंदा वी जिस अखर दे पैर विच यक्ष चिन्ह लगा उस अखर नूं सिहारी लगा के उहदे तों अगे सत्संग ऐड़ा अखर लगा के असीं उच्चारण करना हुंदा। इस शब्द का उच्चारण करांगे नन्ना, खखे नूं सिहारी अगे ऐड़ा फिर तत्ता फिर रारा नखियत्र। कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समगरी अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। तो सत्संगत ए आ जी तीसरा शब्द। हुण आओ इहदे तों अगे असीं जिहड़ा वा चौथा जिहड़ा शब्द आ इसका पाठ उच्चारण करदे हां जी। आओ रल मिल के उच्चारण करिए जी, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर शास्त्र। ये जिहड़ा शब्द आ जी शास्त्र, जिहड़ा पहला ससा लगा होया ससे दे पैर में सत्संग बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करना, पहले ससे नाल बिंदी लगानी है जी, दूसरे ससे दे पैर च बिंदी नहीं लगानी। एक गल याद रखो, ससे पैर बिंदी कन्ना ससा तत्ता शास्त्र। शास्त्र तो भाव आ जी छे शास्त्रां दी इत्थे जिहड़ी आ गुरु साहिब गल कर रहे हैं जी। कई कोट वेद पुराण सिमृत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद। ये जिहड़ा पाठ आ जी समुंद, मम्मे दे पैर च ओंकड़ उपर टिप्पी लगा के उच्चारण करांगे समुंद। समुंद तो भाव आ जी समुंदर, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत।
हुण इत्थे भी सत्संग ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ नन्ने नूं कन्ना नन्ने नूं कन्ना, इस शब्द का पाठ जिहड़ा वा असीं नाना इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। नाना जिहड़ा है वह तो आप सत्संग अपनी रिश्तेदारी दे विच जिहड़े साढ़े बजुर्ग आ उहनां नूं आपां कहिंदे वी वह मेरा नाना वा जां वह मेरी नानी आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜੱਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਚ। ਪਿਸ਼ਾਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਿਸ਼ਾਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜੱਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁੱਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਮਿਰਗਾਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜੀ ਹੀਰਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਭ ਹੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ ਜੀ ਚਾਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਪਾਤਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਂਗੂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਲਾਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ। ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਉਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਥੱਕ ਥੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਹੇ ਪਾ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਪਾਹੇ ਖਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਮਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੱਜਾ ਹਾਹਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾ ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਨਵੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਸਵਰ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਹਿ ਅਤੇ ਤੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆ।
गुरबाणी व्याकरण अनुसार। सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा अते होर नवीन विद्वान जिहड़े आ उन्हां दा मानना यह आ भी इन्हां शब्दां दा जिहड़ा उच्चारण इस ढंग नाल करांगे जह तह, ठीक है जी, नासक उच्चारण जह तह जिथे तिथे, पर जिहड़ा एक पुरातन उच्चारण चलता आ रहा सी ते ज्ञानी हरबंस सिंह जी हुणां ने भी अपनी पुस्तक दे विच व्याकरण वाली जिहड़ी उन्हां दी पुस्तक आ उस विच साध संगत इस इन्हां दो शब्दां दे उच्चारण संबंधी सेध दिंदे आ। सानू यह गल दसी आ भी ये जिहड़े दो स्थानवाची शब्द आ इन्हां शब्दां दा उच्चारण सी जिहड़ा पुरातन ढंग तरीके नाल उच्चारण किया जाता सी, भी जिहड़ा हाहा अखर आ इहदे तो पहले अखर उत्ते जिहड़ा वा दुलावां दा उलार होवेगा नाल बिंदी ला के उच्चारण होवेगा जै तै, इस ढंग नाल जिहड़ा वा असीं करना वा। ते पर इत्थे सात संगत मैं बेनती करदा जावां भी जिहड़ा पुरातन उच्चारण आ जै तै अते जिहड़ा नवीन उच्चारण आ जा तां, इह दोन्हें उच्चारण जिहड़े आ आपो अपनी जगह विद्वानां दे कथन मुताबक जिहड़े आ उह सही आ, क्योंकि मैं हमेशा संगत विच बेनती करदा हुंदा भी गुरबाणी साध संगत एक अजिहा विशा वा गुरबाणी की व्याख्या लैके तो गुरबाणी के उच्चारण को लैके कोई भी बंदा जिहड़ा वा वह किसी तरह का भी दावा नहीं जता सकता भी जो उच्चारण मैं दस रहा जो व्याख्या मैं कर रहा भी यही पत्थर ते लकीर आ। साध संगत पत्थर ते कोई भी लकीर नहीं आ, दावा नहीं असी जता सकते। मेरा अपना मानना यह आ भी चाहे इनू असी पुरातन ढंग तरीके इन दो शब्दों का उच्चारण करते हैं जै है तय है इस ढंग तरीके भी उच्चारण सही आ, तो जेकर असी नवीन विद्वाना दे विचार उन्हों की विचारधारा फॉलो कर रहे हैं तो इस ढंग उच्चारण कर रहे हैं जी जा तह इस ढंग उच्चारण करना भी जरा अपनी जगह सही आ, क्योंकि उन्हों की अपनी खोज आ, पुरातन जिहड़े विद्वान जिहड़े सन उन्हां दी एक अपनी खोज सी। सो साध संगत ये जिहड़ी गुरबाणी का विशा वा इस गल नूं हमेशा याद रखो ये खोज का विशा वा, तो जिहड़ा बंदा जिन्ना कु खोजेगा गुरबाणी रूपी समुंदर विचों वो उन्ने की ही हीरे मोती जिहड़े आ रतन जवाहरात जिहड़े आ गुणा रूपी वो उन्ने कु प्राप्त कर लवेगा। तो आपां किसी भी साध संगत किंतु परंतु विच नहीं पैना, तो दोनों ही ढंग तरीकों के नाल मैं आप जी के सन्मुख उच्चारण रख दिता वा, तो आप जी जिहड़ा वा चाहे नवीन विद्वाना वांग उच्चारण करना उस ढंग नाल भी कर सकते हो, तो जिहड़े पुरातन उच्चारण है जै तै इस ढंग नाल भी उच्चारण इन्हां दो स्थानवाची शब्दों का किया जा सकता है। तो साध संगत इत्थे जिहड़ा दास उच्चारण कर रहे जी वह उच्चारण कर रहे जी जै जै भाणा तय तय राखे, पुरातन जिहड़ा उच्चारण चलता आ रहा उस ढंग नाल मैं उच्चारण कर रहा जी जै जै भाणा तय तय राखे नानक, नानक शब्द उत्ते विश्राम देना वा जी सब किछ प्रभ कै हाथे। तो साध संगत यह आ जी पंजवां शब्द, हुण इहदे तों अगे असीं छेवां जिहड़ा शब्द आ उसका पाठ उच्चारण करते हैं जी कई कोट भए बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। नन्हे अखर की जिहड़ी साउंड आनू थोड़ा जिहा हल्का जिहा असीं भारा करके उच्चारण करांगे तिन तिन तो भाव भी तिना ने, ठीक है जी राम नाम संग तिन लिव लागी भी रमे हुए परमात्मा के नाम के विच जिहड़ी है तिना दी जिहड़ी आ उह लिव लग जांदी है। राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। ये जिहड़ा शब्द आ मम्मा हाही नूं सियारी इहनूं बिंदी सहित उच्चारण करना वा आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास। ये जिहड़ा शब्द आ दद्दा रारा सस्से पैर बिंदी लगा के फिर अगे अखर आ जी नन्ना इहदा उच्चारण करांगे दर्शन, ठीक है जी इनू दर्शन इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिलियो प्रभ अविनाश। अविनाश असल विच जिहड़ा शब्द आ जी वह आ जी विनाश, ऐड़ा अगेतर आ जी तो उच्चारण होएगा अविनाश जिसका नाश नहीं हो सकता जिसनों खत्म नहीं किया जा सकता। तिन कौ मिलियो प्रभ अविनाश अविनाशी प्रभु, ठीक है जी सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे अविनाश। कई कोट मांगे सत संग पार ब्रह्म
तीन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न। ये जिहड़ा शब्द है जी, इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे सस्से पैर औंकण नाल। सो प्रसन्न, बहुत ज़्यादा वधीक जिहड़ा है वह प्रसन्न हो जाना। जिन कौ होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। सत्संगत ये है जी छेवां पद, छेवां शब्द। ये तो अगे हुण सतवां पद, सतवां शब्द। कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। ये जिहड़ा शब्द है जी आकाश, ऐड़ा कक्के नूं कन्ना सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे जी आकाश। ठीक है जी, आकाश तो भाव गगन, उत्ते जिहड़ी स्पेस आ। कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरियो पासाल पासार। पप्पे नूं कन्ना लगा होया जी, तो कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहु भांत, भांत शब्द पब्बे नूं कन्ना, उपर बिंदी का पाठ उच्चारण करांगे जी भांत। ठीक है जी, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ता का अंत ना जाने कोय, आपे आप नानक, नानक ते विश्राम जी प्रभ सोय। तो सत्संगत ये है जी सतवां शब्द, सतवां पदा। हुण इहदे तो अगे सत्संगत अठवां पदा, अठवां शब्द। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारै एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, पीवै शब्द निहारै पीवै। ठीक है जी, अमर भये सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै। अपने जन कौ सास सास समारे। हुण ये जिहड़ा शब्द है जी ससा मम्मा कन्ना रारे उत्ते इक ला, इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे जी समारे। माँ अखर की जिहड़ी साउंड है जी उन्हूं हल्का जिहा भारा करके उच्चारण करना है। असल जिहड़ा शब्द है वह जी संभाल, लल्ले दे नाल हुंदा वा, पर इत्थे ध्यान रखो गुरु साहिब ने रारे दे नाल इस शब्द दा जिहड़ा पाठ आ उह उच्चारण कीता है। संभारे तो भाव आ संभाल करनी। ठीक है जी, संभारे। इस तों पहला अपने, ऐड़ा पप्पे दे पैर विच औंकड़ लगी हुई है, इस औंकड़ दा भी पाठ उच्चारण करना। इहनूं अपने इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, उच्चारण करांगे अपने। अपने जन कहो सास सास संभारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। ये जिहड़ा शब्द है जी परमेश्वर, सस्से दे पैर विच बिंदी लगा के औंकड़ सहित उच्चारण करांगे परमेश्वर। ठीक है जी, नानक, नानक ते विश्राम, ओए परमेश्वर के प्यारे। तो सात संगत हुण जिहड़ा वा ये सी अठवां पदा, अठवां शब्द। तो अठवें शब्द के नाल सात संगत असां जिहड़ा है दसवीं अष्टपदी का संपूर्ण जिहड़ा वा वह पाठ उच्चारण किया वा। तो मैं उम्मीद करदा आप समूह सिख संगतां नूं इस दसवीं जिहड़ी अष्टपदी आ, इस अष्टपदी का जिहड़ा पाठ आ, इसका जिहड़ा उच्चारण है वह आप जी नूं जरूर समझ में आया होगा। अखीर ते मैं एक बार फिर तो बेनती करा पाठ दे शुद्ध उच्चारण उत्ते ते इसकी व्याख्या उत्ते सत्संग कोई दावा नहीं आ, एक खोज का विशा है। हो सकता भी कई जगह पर सत्संग मैं भी जिहड़ा है कोई भुल गलती जरूर करता होवांगा, पर जिनी कु मत मैं हमेशा बेनती करता हूँ गुरु साहब ने मैनू बख्शिश की है जी, उस मत मुताबक जिहड़ा है मैं आप समूह संगत दे नाल शुद्ध उच्चारण की जिहड़ी आ उह विचार आप जी दे नाल सांझी करदा हाँ। तो आओ सत संगत हुण असी जिहड़ा वा दसवीं तो अगली जिहड़ी अष्टपदी आ ग्यारहवीं अष्टपदी, इसका पाठ आपां रल मिल के उच्चारण करदे हाँ जी। आओ उच्चारण करिए जी।